हेलो टीचर्स, आज हम बता दिए हैं जो OBS सॉफ्टवेयर में जो लाइन चलती है जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह होता है, उसको कैसे आप ऐड कर सकते हैं अपने OBS के स्क्रीन पर। तो आते हैं, ये है इसका यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस, ऑडियो कैप्चर डिवाइस के नीचे प्लस का आइकन दिखता है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और जाना है टैक्स GDI में। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन आते हैं, आपको इसको ओके करना है। देन आपको यहाँ पे जो टैक्स लिखा है यहाँ पे क्लिक करके टाइप करना है। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं स्मार्ट INFO, उसके बाद CONT, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया 8815246916। ओके, तो हमें इस पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। सेलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट का कलर आप ले सकते हैं, जैसे मान लो ब्लू ले लेता हूँ मैं, ये आपका ब्लू हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे इसका बैकग्राउंड, आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, मैं येलो करना चाहूँ तो ओके कर दिया। अब इसको आपको स्लाइड करके बढ़ाना है, तो जितना बढ़ाएंगे वो येलो होता जाएगा। इसको फुल कर देता हूँ अब, ओके ठीक है। अब इसको आप माउस से पकड़ के नीचे ला सकते हैं, इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से ऐसे पकड़ के। जैसे मान लो मेरे को ये स्लाइड कराना है, अब आता है स्लाइड कराने के लिए आपको जाना है फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ आता है ऑप्शन स्क्रॉल, स्क्रॉल पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करना है आपको। ओके करने के बाद आपका ये हॉरिजॉन्टल स्पीड लिखा है, वर्टिकल स्पीड, आप जैसे ही इसको बढ़ाते हैं तो आपका ये स्लाइड करना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जितना बढ़ाएंगे उतनी स्पीड में स्लाइड होगा। आप अपने अकॉर्डिंग वर्टिकल स्पीड भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। आप इसको डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं रुक जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसको क्लोज़ कर दें आप, इसका ही चलेगा लाइन। तो वैसे गाइस इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये नंबर आपका दिया होगा स्लाइड। थैंक यू।